सैफ अली खान आज बॉलीवुड का जाना माना नाम है, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब सैफ अली खान को कोई नहीं जानता था। जी हाँ, बता दें कि जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब उनकी लगातार एक के बाद एक सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। वहीं हम अगर उनकी निजी लाइफ की बात करें तो ये तो सभी जानते हैं कि सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी, जो उस समय की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। जी हाँ, बता दें कि उस समय अमृता सिंह की सभी फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट हो रही थी। गौरतलब है कि सैफ और अमृता सिंह की पहली मुलाकात राहुल रावल ने फिल्म बेखुदी के सेट पर हुई थी। हालांकि तब सैफ ये बात काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे कि अमृता उनसे उम्र में बड़ी है, मगर फिर भी अमृता को लेकर उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। मगर अफसोस कि जब राहुल रावल को इस बारे में पता चला कि सैफ फिल्म से ज़्यादा अमृता पर ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने सैफ अली खान को फिल्म से निकालकर कमल सदाना को उनकी जगह कास्ट कर लिया। हालांकि इसके बाद भी सैफ ने अमृता का पीछा नहीं छोड़ा और उनके घर खाना खाने के लिए भी चले गए। यहां तक कि दोनों ने मिलकर जल्द ही शादी करने की डेट भी फाइनल कर ली। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सैफ ने अमृता से गुप्त तरीके से शादी की थी, क्योंकि उनके पिता नवाब पटौदी इस शादी के थे। बहरहाल अमृता उस समय एक बेहतरीन और कामयाब अभिनेत्री बन चुकी थी, जबकि सैफ उनके सामने कुछ भी नहीं थे। अब यूं तो अमृता ने शादी के बाद अपनी फिल्मी कैरियर की लगाम और ज़्यादा कस ली थी, लेकिन साथ ही वो अपने गृहस्थ जीवन पर भी काफ़ी ध्यान दे रही थी। ऐसे में सैफ अली खान के सर से अमृता के प्यार का भूत उस वक्त उतरा जब अमृता ने उन्हें फ्लॉप एक्टर कहने लगी। जी हाँ, दरअसल सैफ उस दौर में इतने सफल अभिनेता नहीं थे, जिसके कारण अमृता और सैफ का रिश्ता बद से ज़्यादा बदतर हो गया। यानी उन दिनों दोनों का रिश्ता इसके बाद बिगड़ता चला गया। वो कहते हैं न कि जो शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ गुप्त तरीके से और जल्दबाजी में की जाए, उसका अंजाम कभी सही हो नहीं सकता। बहरहाल सैफ और अमृता की शादी का अंत भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि रिश्ता बिगड़ने के बाद सैफ करीब 10 साल तक अमृता से दूर रहे और फिर उनसे तलाक भी ले लिया। अमृता से अलग होने के बाद उन्होंने रोजा नाम की एक मॉडल को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि इन दोनों का रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, जिसके बाद करीना कपूर सैफ अली खान के दिल को कुछ इस कदर पसंद आई कि इन दोनों ने शादी करके अपने प्यार भरे रिश्ते को एक नया नाम दे दिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सैफ की पहली शादी हुई थी तब करीना एक छोटी सी बच्ची थी। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सैफ की उम्र करीना से कितनी बड़ी होगी, मगर वो कहते हैं न कि प्यार में हमारे बॉलीवुड स्टार कभी उम्र नहीं देखते। बहरहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सैफ और करीना की ये जोड़ी अब हमेशा सलामत रहे। देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें।